बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए मैंने तकरीबन एक पाव के करीब आलू बुखारा लिया और एक पाव के करीब इमली लिया और आधा किलो के करीब चीनी और नमक, इसके अलावा नमक लिया। सबसे पहले हम इमली और आलू बुखारे को एक साथ भिगो के रख देंगे। फिर हम इसका पल्प निकालेंगे और दूसरे पैन में मैंने तकरीबन एक पाव के करीब पानी लेकर उसमें चीनी डाला और उसे पकने के लिए रख दिया ताकि चीनी पानी में हल हो जाए अच्छी तरह से। जब चीनी पानी में अच्छी तरह से हल हो गया तो मैंने इमली का और आलू बुखारे का पल्प, जो कि मैंने निकाला था, अगर ओवरनाइट रखेंगे पानी में तो बहुत जल्दी से ये पल्प निकलेगा, लेकिन मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए रखा था, फिर भी अच्छी तरह से निकला है। अब हम इसको चीनी वाले पानी में डालकर मिक्स करेंगे और नमक डालेंगे। ये गर्मियों के लिए बहुत ज़रूरी है, गर्मियों में मैदे को ठंडा रखता है, इसका तासीर ठंडा है। अब हमने इसमें नमक डाली, दोनों तरह के नमक, और इतनी देर से पकाएंगे कि थोड़ा सा ये थिक हो जाए। थोड़ा सा थिक होने के बाद मैंने आग बुझा दी और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद मैंने इसको जार में रखा और इफ्तारी के वक्त शरबत बनाया। आप भी ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। अल्लाह हाफिज़।